नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र चिंता गुफा मिनपा के पास सीआरपीएफ 150वीं 131वीं बटालियन और एसटीएफ रियाजी की संयुक्त एरिया डोमिनेशन पर निकाली गई थी। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों के टेंट नजर आने के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर लिया और दोनों तरफ से हुई फायरिंग में जवानों ने इनामी नक्सली को मार गिराया है। साथ ही कई और नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नक्सलियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। तो सुरक्षा बलों ने इनामी बदमाश को पकड़ लिया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में इनामी नक्सली को मार गिराया गया। ये कल दिनांक 24/7/2021 को हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि नक्सली मूवमेंट जो है अबू डोंगरी और चिंतागुफा एरिया में टेकर पा रहा है, इधर उधर हो रहा है। तो उसके लिए सर्चिंग के लिए जिला पुलिस डीआरजी सीआरपीएफ 150 बटालियन सीआरपीएफ 131 बटालियन की संयुक्त टीमें सर्चिंग के लिए निकली हुई थी, जो आज अर्ली मॉर्निंग में लगभग 4 से 5 के बीच में ये लोग आबू डोंगरी पहाड़ी के पास से जब गुजर रही थी टीमें, तो इनपे अंधाधुंध फायर नक्सलियों का है, जिसमें इन्होंने तुरंत अपनी पोजिशन लेते हुए सिखाए गए तरीके से उसका रिटेलिएशन दिया। ये फायरिंग लगभग 1 से 1.5 घंटा चलती रही। उसके बाद जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जो है भागे। ये कल तो वहीं छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। 97.43% परीक्षार्थी हुए सफल। करीब 2 लाख से भी ज्यादा छात्रों की फर्स्ट डिवीजन आई है। 12वीं के परिणाम लड़कियों ने बाजी मारी है। 2 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिणाम घोषित किए गए हैं। तो बड़ी बात यह कि हर कोई फर्स्ट डिवीजन से ही पास हुआ है। और आपको बता दें कि 12वीं बोर्ड के नतीजे क्योंकि घोषित किए जा चुके हैं छत्तीसगढ़ के, ऐसे में 97% से भी ज्यादा परीक्षार्थी सफल हुए हैं, पास हो गए हैं। 2 लाख से ज्यादा छात्रों की फर्स्ट डिवीजन है और लड़कियों ने खास तौर पर बाजी मारी है रिजल्ट्स में। तो गरियाबंद जिले के 119 गांव में स्वास्थ्य विभाग मलेरिया मुक्त अभियान चला रहा है, जिसके तहत इन गांव में रहने वाले 1,19,000 लोगों को दवा देने की जो पहल है वो की जा रही है। इनमें से 8 गांव ऐसे हैं जहां पहुंचने के लिए पहाड़ की खड़ी चढ़ाई और नदी नाले पार करना होता है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग जोखिम में डालकर लोगों तक दवाइयां पहुंचा रहा है। बारिश शुरू होने से पहले ही टीम इन इलाकों में पहुंचकर जांच और दवा कर रही है। अब तक 47,000 लोगों तक टीम पहुंच चुकी है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि जान को जोखिम में डालकर जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो ग्रामीणों तक दवाइयां पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा समस्या है ग्रामीण इलाकों में, और ऐसे में मलेरिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। बालौद में एक अनोखी शादी को देख माफ कीजिएगा बालौद में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां बिना ताम झाम के मात्र 17 मिनट में विवाह संपन्न हो रहा है। बता दें कि जिले के ग्राम पंचायत परसुली जनपद पंचायत में भगत नितेश दास और भगतमती दीपिका दासी की शादी सफलता के साथ संपन्न हुई। शादी में किसी तरह का कोई दहेज नहीं दिया गया है, साथ ही सभी सेवादारों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।